नहीं माँ, ये हरगिज नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। मैं श्याम के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? माँ होने के नाते पापा से मेरी खुशी नहीं मांग सकती। अपनी जान देकर भी तेरी खुशियां मिल जाती तो मैं मांग लेती, लेकिन तेरे पापा इस हवेली की मान मर्यादा रखते रखते इस हवेली के पत्थरों की तरह सख्त हो चुके हैं। इन पर टकराकर सर तो फोड़ा जा सकता है, कुछ मिल नहीं सकता। अरे अंदर कहाँ घुसी चली आ रही हो? कहा ना ठाकुर साहब तुमसे नहीं मिल सकते। क्या बात है? सरकार ये अंदर आने की बहुत जिद कर रही है। हमने इसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मानी ही नहीं। चल बाहर। ठीक है ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। जी हाँ। मैं कस्तूरी की बहन। यहाँ किस लिए आई हो? मैं यहाँ गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने नहीं आई हूँ, मैं अपने बेटे की जिंदगी मांगने आई हूँ ठाकुर साहब। किसकी बात कर रही हो तुम? मेरा श्याम, मेरा बेटा श्याम ठाकुर साहब, उसे जेल से रिहा करवा दीजिए। मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। आप उसे जेल से रिहा करवा लीजिए, भीख मांगती हूँ, उसे रिहा करवा दीजिए। मेरा बस चले तो उस हरामजादे को फांसी के तख्ते पे लटका दूं। जान लेना तो आप ठाकुरों का पैदाइशी हक है। आपने मेरी बहन कस्तूरी को भी मरवा दिया था क्योंकि वो आपके भाई श्रीकांत से बहुत प्यार करती थी। आपकी दौलत, आपकी ताकत और आपकी दहशत ने मेरे बाप का तो क्या, सारे गांव का मुंह बंद करवा दिया था। गंदी नालियों को चांद की तमन्ना करने का हक नहीं ठाकुर साहब। गंदी नालियों में भी चांद का अक्स उतना ही साफ होता है जितना कि गंगा में। प्यार दिल की गहराइयां देखता है, हवेलियों की ऊंचाइयां नहीं। इन हवेलियों की ऊंचाइयों से टकराने का अंजाम तुम पहले ही देख चुकी हो, उसके बावजूद भी तुमने अपने बेटे को आगाह नहीं किया। किया ठाकुर साहब, बहुत किया। मैंने उसे समझाया कि इन हवेलियों की तरफ से आती हुई हवा में सांस लेना भी बड़ा खतरनाक होता है। मैंने उसे यह भी समझाया कि हवेलियों की सीढ़ियां जब भी झोपड़ों में उतरती है तो झोपड़ों को बर्बाद कर देती है। मैंने उसे अपने आंचल के कोर में बांधकर सारी दुनिया से छिपा कर रखा था, मगर उसका नसीब उसे यही ले आया जिसका मुझे डर था। ठाकुर साहब, शहंशाह भी अपनी औलाद के लिए भिखारी बन जाते हैं और मैं तो एक मां अपने बेटे के लिए अपनी खुददारी को ठोकर मारकर आपकी ठोकर में आई हूं। तुम अच्छी तरह जानती हो ठाकुर अजीत सिंह के रास्ते में जो भी आता है मिटा दिया जाता है। नहीं ठाकुर साहब, चली जाओ यहां से। ठाकुर साहब, बहादुर सिंह, निकाल दो इसे हवेली के बाहर। नहीं ठाकुर साहब, छोड़ दो मुझे। याद रखना ठाकुर साहब, एक दिन मेरे आंसू तुम्हारी आंखों से बहेंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। शाबाश ठाकुर अजीत सिंह, शाबाश। मैंने तो आज तक यही सोचा था कि कस्तूरी ने खुदकुशी की थी क्योंकि आपने उसकी और मेरी शादी से इनकार कर दिया था। आज पता चला कि मेरे भाई ने मेरी खुशी के लिए उसे रास्ते से हटा दिया। एक तरफ आपकी ताकत, आपकी दौलत, आपकी दहशत और एक तरफ बेचारी कस्तूरी, दुबली पतली नाजुक एक फूल जैसी। उम्मीद है आपको उसकी जान लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई होगी। अपने जुबान को लगाम दो श्रीकांत, तुम होश में नहीं हो। होश तो आपने मेरे उड़ा दिए भाई साहब। मैं सोचता था कि मेरा भाई जिद्दी है, मगरूर है, झूठी शान के नशे में है, मगर मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई कातिल भी है। श्रीकांत, इस खानदान की इज्जत को तुम छुपड़ों में घसीट रहे थे। हम सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ बचाने की कोशिश। और अगर आज मैं ये पुलिस के सामने जाहिर कर दूं कि कस्तूरी का कत्ल आपने करवाया था तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं देवत जी, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप मेरे सुहाग और इस घर की इज्जत को
सरेआम नीलाम नहीं करेंगे। आप मेरी मां की तरह हैं भाभी, आप आज्ञा कर सकती हैं, लेकिन लेकिन इन्होंने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, अब अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं और मैं ये नहीं होने दूंगा। इन्हें माफ कर दो, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूं, इन्हें माफ कर दो। माफी सिर्फ एक शर्त पे मिल सकती है कि आप राधा और श्याम की शादी होने देंगे। राधा और श्याम की खुशी में शायद मैं भी अपने गम भूल जाऊं। अगर यही तुम्हारी इच्छा है श्रीकांत, तो राधा और श्याम की शादी बड़ी धूमधाम से हम कराएंगे। सच भाई साहब? हां श्रीकांत, मगर यह शादी हम जल्द से जल्द करना चाहते हैं और उसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमें तुम्हें आज ही बड़ी खरीदारी के लिए दिल्ली जाना होगा। जैसे आपकी इच्छा भाई साहब, लेकिन लेकिन पहले मैं ये खुशखबरी राधा बेटी को सुनाना चाहता हूं। राधा 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 श्याम, कुछ मत कहो राधा, कुछ मत कहो, पहले मुझे जी भर के देख लेने दो। पता नहीं कितने दिनों से मेरी आंखें प्यासी थी। प्यास बुझाने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है श्याम। जिंदगी? मेरे नसीब में तो ये दो पल भी, पता नहीं किसकी मेहरबानी है राधा। श्याम, अब मेरी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे नाम होगा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं यही खुशखबरी देने के लिए तो आई हूँ। पापा हम दोनों की शादी के लिए मान गए। सच? हाँ सच राधा, सच।